दोस्तों दबंग 3 की नाइट शोज हाउसफुल चल रही है, यहाँ तक कि दोस्तों अब टिकट नाइट शोज में भी लेना मुश्किल हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली NCR, चेन्नई, इन सारे शहरों में कमाल का कलेक्शन कर रही है और नाइट शोज हाउसफुल चल रही है। जी हाँ, अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में 269 शोज हैं, कोलकाता में 314 शोज हैं, अहमदाबाद में 452 शोज हैं, सूरत में 236, चेन्नई में 84 और जयपुर में 168 शोज हैं। अगर बात कर ली जाए तो हैदराबाद और अहमदाबाद में काफ़ी कमाल का कलेक्शन कर रहा है, साथ ही कोलकाता में भी काफ़ी कमाल का कलेक्शन कर रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें कि नाइट शोज जो है सो हाउसफुल चल रही है। अगर बात कर ली जाए तो हैदराबाद में मेरा एक दोस्त है जो कि नाइट शोज के लिए इसकी टिकट बुक करने के लिए गया हुआ था, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि उसे टिकट मिल पाए क्योंकि नाइट शोज हाउसफुल हो चुकी थी और अब नेक्स्ट डे ही उसको टिकट मिल पाएगा शायद। वैसे दोस्तों वो सोच रहा था कि सुबह में जा पाऊंगा लेकिन वो अपने कॉलेज से फ्री नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो नाइट शोज में उसने सोचा कि नाइट शोज में ही मैं चला जाऊंगा। तो नाइट शोज में वो जा रहा था अपने टिकट लेने के लिए और लेकिन उसे खाली हाथ वापस आना पड़ा। वैसे दोस्तों जिस तरह से वहां पर कलेक्शन हो रही है बाकी शहरों में, जी हाँ बता दें कि बहुत सारे जो सोर्सेस के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि दोस्तों दबंग 3 काफी ज्यादा इस फिल्म को लेकर हाइप क्रेज बढ़ चुका है और जब से इस फिल्म को रिलीज कर दिया जा चुका है और जब से फैंस की इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स आ रही है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तब से लोग जो है इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा उमड़ चुके हैं और यहाँ तक कि अब इस फिल्म की टिकट और एडवांस बुकिंग काफी कमाल की देखी जा रही है। वैसे दोस्तों जिस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल धमाल कलेक्शन कर रही है उस मुताबिक ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाने वाली है। वैसे दोस्तों ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ये फिल्म तकरीबन एक हफ्ते के भीतर ही 300 करोड़ के आंकड़े को ये पार कर जाएगी। वैसे दोस्तों इस फिल्म का हिट होने का वर्डिक्ट जो है सो पहले ही हासिल हो चुका है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को पब्लिक फिगर में काफ़ी औसम रिस्पांस मिला है इस फिल्म को। अब बात आती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करती है। वैसे दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म को लेकर इसकी क्रेज बढ़ती जा रही है, जिस तरह से इसकी स्क्रीनिंग बढ़ती जा रही है, मॉर्निंग से ज़्यादा नाइट शोज हाउसफुल चल रहे हैं। जी हाँ, नाइट शोज एकदम फुल टू फुल हाउसफुल हैं, कई सारे शहरों से ये रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है और इसका फर्स्ट डे कलेक्शन कितना हो सकता है? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें।